नमस्कार, मैं हूं धनश्री। के क्या न्यूज में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बरेली में मौलाना द्वारा हिंदुओं पर अनर्गण टिप्पणी करने पर मंत्री विश्वास सारंग का बयान आया है। सारंग ने कहा है, मौलाना भूल रहे हैं कि ये हिंदुस्तान है, पाकिस्तान की शब्दावली हिंदुस्तान में नहीं चलेगी। इस तरह के दुर्भाग्यपूर्ण और देश को तोड़ने वाली बातों के खिलाफ देशद्रोह का प्रकरण दर्ज होना चाहिए। धार्मिक उन्माद फैलाने वाले ऐसे लोगों को देश में रहने का अधिकार नहीं है। अपने बयान को लेकर मौलाना को करना चाहिए विचार, या हिंदू है या यहाँ के विघटनकारी ताकतों को रहने का अधिकार नहीं है, उन्हें जेल के पीछे होना चाहिए। मौलाना भूल रहे हैं कि ये हिंदुस्तान है और पाकिस्तान की शब्दावली इस हिंदुस्तान में नहीं चलेगी। इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण और देश को तोड़ने वाली बातों के खिलाफ प्रकरण भी दर्ज होना चाहिए और देशद्रोह का प्रकरण दर्ज होना चाहिए। ऐसे लोग जो धार्मिक उन्माद फैलाते हैं, उनको इस देश में रहने का अधिकार नहीं है। मौलाना जी को कहीं ना कहीं अपने बयान को लेकर विचार करना चाहिए। जैसा मैंने कहा कि ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में ये विघटनकारी ताकतों को रहने का कोई अधिकार नहीं है। मौलाना के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए और उनको जेल के पीछे होना चाहिए। ऐसे ही खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।